हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ये एक एरर लिखा रहा है, ये डिस्क रीड एरर। तो हम जानेंगे कि इसको कैसे ठीक करते हैं। यहाँ लिखा रहा है दोस्तों, प्रेस कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट। हम ये दबा के देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद हम कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल एल्ट और डिलीट। ये देखिए दोस्तों, ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसको अब हम देखते हैं ये हमारा एरर जाता है कि नहीं जाता। लेकिन ये एरर फिर भी हमारा वैसे लिखा रहा है कंट्रोल एल्ट डिलीट दबाने के बाद भी। ये देखिए दोस्तों, तो इसको ठीक करने के लिए हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है। ये हमारी मशीन है, सीपीयू जिसको बोलते हैं हम। तो इसका एरर हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। ये हमने इसकी सप्लाई ऑफ कर दी है। अब हम इसका बैक पैनल ओपन करते हैं। ये हमारा सीपीयू है दोस्तों, इसका हम बैक पैनल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने इसका बैक पैनल ओपन कर लिया है। तो वो जो एरर है दोस्तों, वो दो तरीके से आता है। या तो रैम में दिक्कत होती है तो आता है, या फिर हार्ड डिस्क में दिक्कत होती है तो आता है। लेकिन रैम में अभी दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्प्ले में आ रही थी। तो अब हम देखेंगे इसकी हार्ड डिस्क के कनेक्शन देखेंगे, या फिर इसकी हार्ड डिस्क रिप्लेस करके देखेंगे। अगर कनेक्शन करने से चेंज, अगर ये ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हार्ड डिस्क के टर्मिनल हैं। कनेक्शन जो है, हम थोड़ा सा इसको क्लीन वगैरह करने की कोशिश करते हैं। इनको क्लीन करके दोस्तों दोबारा हम इसके अंदर फिट कर देंगे। ये एक बार इसका कनेक्शन चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने इसका कनेक्शन फिट कर दिया है। यहाँ मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर। हार्ड डिस्क के कनेक्शन तो बड़े ही सावधानी से करें। अगर ये कुछ भी गलत आपने इसमें लगा दिया तो आपका हार्ड डिस्क का जो डाटा है वो क्रैश हो जाएगा, और जितने के आपके हार्ड डिस्क नहीं है उससे काफ़ी ज़्यादा रुपए आपके रिकवरी के लग जाएंगे डाटा। जैसे कनेक्शन आपने हटाए थे वैसे ही लगाने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे SMPS में से आ रही थी, एक वायर हमने इसके अंदर लगा दी, एक वायर हमने मदरबोर्ड में से इसमें डेटा के लिए लगा दी। एक सप्लाई की होगी और एक ये डेटा की है। छोटे वाली वायर डेटा की होती है, बड़े वाली ये इसकी सप्लाई है। अब हम इसको एक बार ऑन के अंदर चला के देखते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया। यहाँ से हम देते हैं इसमें पावर। हम देखते हैं क्या लिखा होता है इसमें। ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट विंडो नॉर्मली लिखा आ गया हमारे सामने। तो हमारा ये तरीका काम आ गया। अब हम दबाते हैं एंटर। तो हमारा दोस्तों ये काम कर गया। ट्रिक जो है, हमारा PC ऑन हो गया है। अगर ऐसा करने से भी हमारा PC ना ऑन होता तो हमें हार्ड डिस्क रिप्लेस करनी पड़ती, या हार्ड डिस्क की वायर रिप्लेस करके देखनी पड़ती। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑन हो गया है। ये हमारा कंप्यूटर चल रहा है, देख रहे हो आप। काफ़ी ओल्ड है तो ये थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन ये ऑन हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और किसी भी तरह की दिक्कत कोई कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन उसका बता दूंगा। ये देखिए, ये वर्क कर रहा है। ये वही हार्ड डिस्क है जो हमारे पहले लगी थी।
सिर्फ हमने इसके केबल के कनेक्शन चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया, तो ये मशीन वर्क कर रही है।